हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप्स को रैंक में कैसे ला सकते हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज यही होती है अपने ऐप्स को टॉप में लाना, क्योंकि इसमें डाउनलोड मेन होते हैं। अगर डाउनलोड आएंगे तो यूजर बढ़ेंगे एंड वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने ऐप्स को रैंक कर सकते हो। ओके, तो मैंने नोटपैड में कुछ पॉइंट्स राइट करके रखे हैं, मैं आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, अट्रैक्टिव आइकन्स। तो देखो, सबसे मेन होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, आइकन देखते हो, क्योंकि जैसे आप सर्च करते हो तो जो आपको बेस्ट आइकन लगा उस पर आप क्लिक करते हो। जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है, वैसे गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप्स का आइकन होता है। तो ये ध्यान में रखना, आपको ऐप्स का आइकन एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे आपको हिंट प्रोवाइड करने है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे हमारी योगा ऐप है, ठीक है, तो उसमें क्या हिंट दे सकते हो, 2021 मीन्स आपके एकदम न्यूएस्ट ऐप है। तो आपको एकदम अट्रैक्ट करना है किसी भी यूजर को, क्योंकि आपको उससे क्लिक करवाना है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यूज कीवर्ड इन द टाइटल। देखो, अगर आपको पता नहीं कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, मैं आपको आई बटन में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आपका एप्स का नेम रहेगा मीन्स टाइटल, उसमें आपको कीवर्ड यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट्सअप को आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप लिख सकते हो, आपका जो यूनिक नेम हो गया डैश देके आप कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैसेजिंग ऐप, ये क्या हुआ हमारा, इसमें कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया एंड हमारा यूनिक नेम भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से अगर आप टाइटल देते हो तो आपका ऐप 100% रैंक कर सकता है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, यूज कीवर्ड इन द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन। जैसे आपने कीवर्ड्स को टाइटल में इंक्लूड किया, सेम आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड करना है। जैसे हम ब्लॉग लिखते समय हम कुछ कीवर्ड्स को यूज करते हैं टॉप में लाने के लिए, तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, हमें डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तब भी आपका ऐप्स रैंक करेगा। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट। तो देखो, कोई भी यूजर जब क्लिक करता है तो जैसे आपके आइकन पे क्लिक करता है या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जो भी आप उनको विजिबल हो जाएगा ऐप्स उन पे क्लिक करता है, तो सेकंड वो देखता है स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या होता है, अपीयरेंस होता है। अगर उसको स्क्रीनशॉट पसंद आया तब उनको डाउनलोड करता है। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट एकदम मस्त बनाने मीन्स एकदम यूनिक बनाने एंड अट्रैक्टिव बनाने। अगर आप स्क्रीनशॉट को अट्रैक्टिव बनाते हो तो आपका ऐप डाउनलोड करने के चांसेस होते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, यूज कीवर्ड इन रिव्यू। तो देखो, आपको क्या करना है, कोई भी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स को बोलना है मेरे ऐप्स को डाउनलोड करें। जैसे वो डाउनलोड करेगा आपको उसको रिव्यू सेंड करना है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है एंड कीवर्ड को फाइंड करना है एंड उस कीवर्ड को उठा के उनको सेंड करना है। उसको बोलना है कि भाई मेरे कीवर्ड को मेरे रिव्यू में इंक्लूड करो, जैसे दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर, उसको कीवर्ड दे दो एंड उसको इंक्लूड करने के लिए बोल दीजिए। अगर आपके रिव्यू में कीवर्ड इंक्लूड करते हो तब भी आपका ऐप रैंक करने के ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, अभी हम बात करते हैं सेवन पॉइंट की, रेटिंग पॉजिटिव। तो देखो, हमें क्या करना है, कोई भी यूजर आता है तो सबसे पहले क्या करता है, रेटिंग को चेक करता है। अगर उसको 4+ रेटिंग दिखी तभी वो ऐप्स को डाउनलोड करता है। तो आपको पॉजिटिव रेटिंग रखनी है मीन्स 4.0 के ऊपर ही रेटिंग रखनी है। तो अगर आपको पता नहीं कि रेटिंग कैसे यूज करते हैं मीन्स रेटिंग कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जो कि रेटिंग बढ़ा के देते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, भाई प्लीज मेरी रेटिंग बढ़ा के दो। वो आपको टेम्प्रेरी कुछ चार्जेस ले लेंगे, तो आप उनको चार्जेस कीजिए, बट आपका रेटिंग अच्छा रहेगा तभी आपका ऐप्स टॉप में मिलेगा। ओके, अभी हम बात करते हैं एट पॉइंट की, आफ्टर डाउनलोड मच मोर थिंग मैटर। तो देखो, कोई भी जब डाउनलोड करता है उसके बाद कुछ बात मैटर करते हैं। जैसे कोई यूजर डाउनलोड कर लेता है उसके बाद वो कितना टाइम वो यूज कर रहा है एंड आपको आपका जो भी ऐप से वो कितने टाइम तक वो यूज कर रहा है या फिर कितने बाद वो अनइंस्टॉल कर रहा है, तो ये सब मैटर करता है ऐप डाउनलोड होने के बाद। ओके, अगर वो यूजर आपसे ऐप से इंगेज है तो आपका ऐप 100% रैंक में आ सकता है। अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, नो यूज मोर एड्स। तो देखो, अगर आपको एड्स इंप्लीमेंट करना है तो लिमिट में कीजिए, क्योंकि कोई भी यूजर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको ज्यादा एड्स देखने के लिए मिले। जैसे एक स्क्रीन में कुछ लिमिट होती है, गूगल प्ले कंसोल की पॉलिसी में कुछ लिखा गया है, उसको फॉलो करके ही आप एड्स को लिमिट में यूज कीजिए। अगर आप ज्यादा ही एड्स को इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, जो भी यूजर रहेगा वो थोड़ा इरिटेट होगा आपके ऐप से। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको ज्यादा एड्स यूज नहीं करना है, लिमिट में आपको एड्स को यूज करना है। तो आई होप गाइस, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका ऐप्स 100% टॉप में रैंक करेगा।
तो अभी हम बात करते हैं मेरे प्रोमोशन के बारे में। प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको ऐप से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलते रहते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज बेल घंटे को भी दबा देना सब्सक्राइब के साथ, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना जल्दी से, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहने वाले हैं। ओके, तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।